चीतल राजपूत, आई वेलकम यू ऑल टू प्रेप जेके। सो गाइज, आज हम करने वाले हैं, हमारा सेट थ्री है ये, जनवरी के करंट अफेयर्स 2022 के जो हमने स्टार्ट किए हैं। सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, पहले 2022 के एंड फिर इसके बाद हम लोग 2023 के भी करंट अफेयर्स करेंगे, और जो आपके जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स हैं उन पर भी अलग से मेरा वीडियो आएगा। तो अगर अभी तक आप चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लेना, और आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो मॉक टेस्ट वगैरह कोर्सेज के लिए और पीडीएफ के लिए। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हम लोगों के पास है, व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इंडियन आर्मी डे को हम हर साल कौन सी डेट पर सेलिब्रेट करते हैं, 14, 15, 16, 17। इसका जो राइट आंसर है वो है 15 जनवरी को हम लोग हर साल इंडियन आर्मी डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इंडियन आर्मी डे एवरी ईयर हम लोग 15 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, और 2022 में जो ये आर्मी डे था, ये 74th आर्मी डे था जिसको हमने सेलिब्रेट किया, और हम 15 जन को ही क्यों सेलिब्रेट करते हैं, इसका रीज़न है 15 जन 1949 में जो लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा थे, ये फर्स्ट इंडियन थे जो इंडियन फोर्सेस के हेड बने थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि वाई 15 जनवरी। देन अगर हम इंडियन एयरफोर्स डे की बात करें तो 8 अक्टूबर है, और इंडियन नेवी डे की बात करें तो 4 नवंबर है। ये सारा इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज़ डिज़ाइंड इंडियन आर्मीज न्यू कम्बैट यूनिफॉर्म। इंडियन आर्मी का जो नया कम्बैट यूनिफॉर्म है उसको कौन से इंस्टीट्यूट ने डिज़ाइन किया है, इसका जो राइट आंसर है वो है NIFT। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं क्या है। नया जो यूनिफॉर्म है ये अवेलेबल होगा 12 लाख पर्सनल के लिए, 12 लाख जो आर्मी पर्सनल्स हैं उनके लिए अवेलेबल होगा, और इसको डिज़ाइन किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी न्यू दिल्ली से ये डिज़ाइन होकर आई है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, जस्टिस आयशा मलिक जो है वो फर्स्ट वुमेन सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी इनमें से कौन से देश की, ये काफ़ी न्यूज़ में भी था, इसका जो आंसर है वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की ये जज बनी थी सुप्रीम कोर्ट की, सो बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ममता बियॉन्ड 2021, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार न्यूज़ में भी था, इसका क्या आंसर है, प्रियंका घोषल, अरविंद कुमार, राहुल त्रिपाठी, नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है जयंता घोषल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शियोमारा कैस्ट्रो हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर फीमेल प्रेजिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, और ये इनमें से कंट्री कौन सी है जिसकी शियोमारा कैस्ट्रो जो है पहली एवर फीमेल प्रेजिडेंट बनी है, जापान, नॉर्थ कोरिया, माली, होंडुरस। इसका जो राइट आंसर है वो है होंडुरस, सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। अब ये कहाँ पर है, ये आपको कंट्री देखने को मिलेगी सेंट्रल अमेरिका में, और इसकी जो कैपिटल है वो है टेगुसी गल्पा, ये आपको याद रखना है, न्यूज़ में थी कंट्री, तो आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, शामातोर बिकेम 16th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट। अब ये जो डिस्ट्रिक्ट है न्यूज़ में है शामातोर, ये 16th डिस्ट्रिक्ट बनी है कौन सी स्टेट की, राजस्थान, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, नागालैंड। इसका राइट आंसर है नागालैंड, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स न्यूज़ में भी रहती हैं, तो आपने इनको अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, वीर बाल दिवस को हम लोग कौन सी डेट पर हर साल सेलिब्रेट करते हैं, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर, 27 दिसंबर, 14 जन, 20 मई। इसका जो राइट आंसर है वो है 26 दिसंबर। अब देखिए ये हम लोग क्यों सेलिब्रेट करते हैं, 26 दिसंबर विल बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस इन द मेमोरी ऑफ गुरु गोविंद सिंह सन्स। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे उनकी शहादत को लेकर हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं, जो सिख गुरु थे, 10th सिख गुरु जो गुरु गोविंद सिंह के बच्चे थे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनको जिंदा एक दीवार के अंदर गाड़ दिया था किसने, मुगल फौजदार के ऑर्डर पर, वजीर खान ऑफ सिरहंद। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन्होंने इस्लाम को कबूल करने से मना किया था। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, नेशनल यूथ डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसको हम लोग स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर सेलिब्रेट करते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं, तो आपको याद रखना है, और इसका जो राइट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा, 12th जनवरी को हम लोग नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप, नेशनल यूथ डे एवरी ईयर 12th जनवरी हम लोग स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट करते हैं। लास्ट ईयर 159th बर्थ एनिवर्सरी थी और थीम थी इट्स ऑल इन द माइंड। नेक्स्ट अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, विच कंट्री क्रिकेटर
क्रिस मॉरिस रिटायर्ड फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। तो ये कौन सी कंट्री के क्रिकेटर हैं क्रिस मॉरिस, जिन्होंने सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से रिटायरमेंट लिया है? साउथ अफ्रीका, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने बताना है दैवोस एजेंडा समिट 2022 की थीम क्या थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सस्टेनेबल वर्ल्ड, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, वी टुगेदर, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो है द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए, दावोस का जो एजेंडा था 2022 का, इसको होस्ट किया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, वर्चुअली होस्ट किया था इसको जनवरी के मंथ में। थीम थी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड और इंडिया की तरफ से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इसको एड्रेस किया था। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, मिसिज वर्ल्ड 2022 कौन बनी थी। आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है वो है शाइलन फॉर्ड, सो यहाँ पे ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसिज वर्ल्ड ब्यूटी पीगेंट जो है ये हुआ था यूएस में, और मिसिज वर्ल्ड 2022 का टाइटल मिला था यूएसए की शाइलन फॉर्ड को। बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड मिला था इंडिया की नवदीप कौर को, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि बेस्ट नेशनल कॉस्ट्यूम अवार्ड किसको मिला था, नवदीप कौर इंडिया से इनको मिला था। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए हैं आईएमएफ के, और ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गीता गोपीनाथ, संदीप अग्रवाल, पेरी ओलिवर गोरेंचस, नन ऑफ दीज। इसका जो आंसर है वो है पेरिरी ओलिवियर गोरेंचस, सो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अर्लियर हमारे पास कौन थी, वो थी गीता गोपीनाथ। तो यहाँ पे देखिए, आईएमएफ जो है वो क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और इसके हेडक्वार्टर्स है वॉशिंगटन डीसी में, और इसको 1945 में बनाया गया था। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से किसको भारत रत्न डॉक्टर अम्बेडकर अवार्ड मिला है? सलमान खान, हर्षाली मल्होत्रा, अनूप कुमारी, नन ऑफ दीज। ये मिला है हर्षाली मल्होत्रा को, और हर्षाली मल्होत्रा कौन है, जो सलमान खान के साथ एक मूवी में भी थी, आई थिंक बजरंगी भाईजान करके वो मूवी है, ठीक है मैं यहाँ पे लिख रहती हूँ, बजरंगी भाईजान में जो छोटी बच्ची है मुन्नी का रोल जिसने प्ले किया था वो है हर्षाली, और उसको मिला है ये अवार्ड। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट विल लॉन्च मना ओरू मना बड़ी प्रोग्राम? आंध्र प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, तेलंगाना। इसका राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना। स्टेट स्पेसिफिक जो आपके पास न्यूज़ थी वो आपको आई थी किसमें, जेके पीएसआई के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए, रिसेंटली जो है तेलंगाना कैबिनेट ने अप्रूव किया है मना ओरू मना बड़ी प्रोग्राम। इसका जो एम है वो है इफेक्टिव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल, टोटल एक्सपेंडिचर इसका इतना है। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड, हु हैज़ बीन अवार्डेड द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2021 अवार्ड। 2021 में फीफा का बेस्ट मेंस प्लेयर किसको मिला था? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रॉबर्ट लिवेंडोव्स्की, तो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड्स 2021, पहले तो ये स्विट्जरलैंड में हुए थे, ये आपको याद रखना है। बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मिला था फ्रांस से एडोयॉर्ड मेंडी को, बेस्ट वुमेन प्लेयर का मिला था एलिक्सा पुटेलस को, और स्पेशल अवार्ड मिले थे क्रिस्टियानो रोनाल्डो को और क्रिस्टीना सिंक्लेयर को। तो नेक्स्ट जो अब हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, 10th सेंट स्टोन स्टैचू जो है गोट हेड योगिनी का, ये हमने वापस लाया है कौन सी कंट्री से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10th सेंट स्टोन स्टैचू ऑफ गोट हेड योगिनी हैज़ बिन ब्रॉट फ्रॉम विच कंट्री? तो इसका क्या आंसर है, इटली, डेनमार्क, यूके, फ्रांस। इसका करेक्ट आंसर है यूके से ये हमने लाया है, सी विल बी द करेक्ट आंसर। 10th स्टोन स्टैचू ऑफ गोट हेड योगिनी, दिस स्टैचू हैज़ बिन स्टोलन फ्रॉम अ टेम्पल, यूपी के लोखारी विलेज से इसको चुराया गया था, अब हमने ये वापस लाया है। नेक्स्ट है, हिंदू फेस्टिवल पोंगल जो है वो कौन सी स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा। पोंगल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये भी पूछा जाता है कि ये कैसा फेस्टिवल है, ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है, तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। जल्लीकट्टू जो है वहाँ पे एक स्पोर्ट परफॉर्म किया जाता है ड्यूरिंग द फेस्टिवल ऑफ पोंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच स्टेट हैज़ कम्प्लीटेड इट्स फर्स्ट एवर रेडियो टैगिंग ऑफ द इंडियन पेंगोलिन? ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़ या फिर कर्नाटका? इसका करेक्ट आंसर है ओडिशा ने अभी कम्प्लीट कर दिया है अपना फर्स्ट एवर टैगिंग ऑफ द इंडियन
पेंगोलन। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, और रिसेंटली उड़ीसा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट रिलीज रेडियो टैग्ड इंडियन पेंगोलिन इनटू नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके पास कि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये न्यूज़ में थी तो आपको पूछ लेंगे कि ये कहाँ पर है। तो नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। उड़ीसा जो है वो सेकेंड स्टेट बन गया है आफ्टर मध्य प्रदेश टू रिलीज अ रेडियो टैग्ड इंडियन पेंगोलिन। रेडियो टैगिंग ट्रांसमीटर अटैच टू एन एनिमल टू मॉनिटर इट्स मूवमेंट। तो एनिमल के साथ हम लोग उसको अटैच कर लेते हैं जिसकी वजह से हम उसके मूवमेंट्स को देख पाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के बाद उड़ीसा जो है वो सेकेंड स्टेट बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के? ऑप्शंस आपके पास है अशोक चंदन, जी अशोक कुमार, सावित्री कुमार, नन ऑफ दीज। द राइट आंसर इज जी अशोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेट हुआ है? दिल्ली, चंडीगढ़, गुवाहाटी, बेंगलुरु। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, चंडीगढ़ में हुआ है। बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे देखिए, कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब में इनाग्रेट किया गया। कल्पना चावला कौन पर्सनैलिटी थी? अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, इंडियन ओरिजिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट थी, एंड शी वॉज अ फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो स्पेस में गई थी। नेक्स्ट जो हम लोगों के पास क्वेश्चन है वो है, हु बिकम्स द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन एम्प्लॉय ऑफ टेस्ला ऑटो पायलट टीम? तो ये फर्स्ट इंडियन ओरिजिन के हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शंस आपके पास है अशोक एलू स्वामी, अदिति सिन्हा, जावेद अली, एच एस अग्निहोत्री। इसका जो राइट आंसर है वो है अशोक एलू स्वामी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, हाउ मैनी पर्सनैलिटीज़ हैव बीन अवॉर्डेड विद द पद्म अवार्ड 2022 के? पद्म अवार्ड कितने लोगों को मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 120, 125, 128, 130। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 128, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पद्म अवार्ड 2022 के टोटल 128 पर्सनालिटीज़ को मिले हैं, और ये तीन कैटेगरीज में दिए जाते हैं। सबसे पहला है पद्म विभूषण, फिर है पद्म भूषण, और फिर होता है पद्मश्री। पद्म विभूषण की बात करें तो ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, ये चार लोगों को दिया गया। इनके नाम आपने याद रखने हैं, प्रभा अत्री, राधेश्याम खेमका, बिपिन रावत, ठीक है? तो नेक्स्ट किसको मिला है? ये नेक्स्ट मिला है श्री कल्याण सिंह को, ठीक है? ये भी आपने याद रखना है, श्री कल्याण सिंह। देन है पद्म भूषण, जो 17 लोगों को मिला है, जिनमें से इम्पॉर्टेंट है आपके पास गुलाम नबी आज़ाद, सत्य नंडेला, सुंदर पिचाई को मिला है, साइरस पूनावाला को मिला है, और पद्मश्री मिला है 107 लोगों को। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, हु हैज़ अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल? यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के हेड कौन अपॉइंट हुए हैं? अतुल कश्यप, अशना प्रधान, कुलदीप कुमार, नन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है, तो ये मिला है अतुल कश्यप को, तो ये आपने याद रखना है। अब हमारे पास है कि यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल एक इंडस्ट्रियल बॉडी है जिसके हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी यूएसए में है। मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच कंपनी एक्वायर्ड इजरायली साइबर सिक्योरिटी कंपनी सिंप्लीफाई फॉर 500 मिलियन डॉलर? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, वॉलमार्ट। ऐसे क्वेश्चन आपको JKPSI में देखने को मिले थे, इंपॉर्टेंट है। तो इसको किसने एक्वायर किया है? इसको एक्वायर किया है गाइस गूगल ने। सो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, न्यू कोविड-19 वेरियंट IHU डिस्कवर्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इंपॉर्टेंट है, JKPSI में एग्जाम था ओमिक्रॉन पर। फ्रांस, UK, इंडिया, अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर है फ्रांस में देखने को मिला, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट बन गई है फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ द कंट्री? वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्मोक फ्री स्टेट ऑफ द कंट्री, उड़ीसा, गुजरात, हिमाचल, उत्तराखंड। इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा हिमाचल। सो यहाँ पे जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हु विल बी द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड? इसके ऑप्शंस दिए गए हैं आपके पास, आकाश सोनी, अक्षत मेहता, पुष्प कुमार, सरदीप कपूर। इसका जो राइट आंसर है वो है पुष्प कुमार, सो सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देखिए आप लोग, जो ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड है, इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनिंग और फ्यूल मार्केटिंग कंपनी है, जिसके हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, आदि बद्री धाम कौन से रिवर पर बिल्ट होने जा रहा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोमती। इसका राइट आंसर है सरस्वती पर, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है,
काचाई लेमन फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, फेस्टिवल्स पे आपको क्वेश्चन आते हैं, और अगर वो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मणिपुर, गुजरात, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तराखंड, इसका आंसर है मणिपुर। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, मणिपुर, ये या आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है अब, एरिक गारसेटी हैज बीन नॉमिनेटेड एज विच कंट्री एम्बेसडर टू इंडिया, इटली, जर्मनी, यूएसए या फिर जापान। ये यूएसए से हैं, यूएसए काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि हु बिकेम फर्स्ट एवर फीमेल चेयरमैन एंड एमडी ऑफ ONGC। बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। अलका मित्तल, सावित्री देवी, अदिति सिंह, नन ऑफ दीज। इसका आंसर है अलका मित्तल जो है ये फर्स्ट एवर फीमेल चेयरमैन और एमडी बनी थी ONGC की। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, ONGC क्या है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 1956 में फाउंड हुआ था और न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन अपॉइंट किया गया है जल शक्ति मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी, विनी महाजन, सिद्धार्थ सिंह, अतुल कुमार सिंह, नन ऑफ द अबो। इसका करेक्ट आंसर है विनी महाजन, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, कौन बन गई है फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन जिसने सोलो ट्रेवल किया है साउथ पोल पर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन ओरिजिन टू ट्रेवल सोलो टू द साउथ पोल, हरदीप कौर, अशोक अदिति, हरप्रीत चंदी, अनिता देसाई। इसका राइट आंसर है हरप्रीत चंदी, न्यूज़ में भी थी काफ़ी। सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्या है, हु हैज़ टेकन ओवर एज अ CEO ऑफ विस्तारा एयरलाइंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, विनोद कन्नन, सलीम खान, अरविंद मिश्रा, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है विनोद कन्नन। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिलीज ड्राफ्ट नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, स्पोर्ट्स पे नहीं जाना है, आपने एयर पे जाना है। तो एयर से रिलेटेड कौन सी मिनिस्ट्री होगी, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री। चीज़ों को अच्छे से गौर से देखना वरना कंफ्यूज हो सकते हो। यहाँ पे देखिए आप लोग, ड्राफ्ट ऑफ नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी फॉर एयर स्पोर्ट्स रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने, जो कौन है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। स्पोर्ट्स इंक्लूडेड इन दिस पॉलिसीज एरोबैटिक्स, बैलूनिंग, ड्रोन्स, ग्लाइडिंग एंड पैराग्लाइडिंग, स्काई डाइविंग एंड विंटेज एयरक्राफ्ट। इससे क्या होगा, टू मेक इंडिया एज वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशंस बाई 2030। ये हमारा क्या है, एक मिशन है, 2030 तक हमने इंडिया को वन ऑफ द टॉप एयर स्पोर्ट्स नेशंस में इंक्लूड करना है। फॉर रेगुलेशन, सर्टिफिकेशन, कॉम्पिटिशन, अवार्ड एंड पेनाल्टीज, ये एक ऑटोनमस बॉडी है एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसको हम लोग बनाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच मिनिस्ट्री विल लॉन्च ब्रांड इंडिया कैंपियन, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमर्स, फाइनेंस, नन ऑफ दीज, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री। ये है कॉमर्स मिनिस्ट्री, यहाँ पे ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ब्रांड इंडिया कैंपेन क्या है, एक्सपोर्ट्स को हम लोगों ने बूस्ट करना है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, मिनिस्टर है पीयूष गोयल। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हु वॉज सिंधु ताई सपकल, हु वॉज सिंधु ताई सपकल, डॉक्टर, सोशल वर्कर, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉट। ये न्यूज़ में थे, ये है एस्ट्रोनॉट, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक कॉन्टिन्यू टू रिमेन एज DSIBs। बहुत इंपॉर्टेंट है, HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, ऑल ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है, ये तीनों ही बैंक जो है वो DSIBs में रहने वाले हैं। ये क्या है, रिसेंटली RBI ने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, HDFC जो है वो कॉन्टिन्यूली रहेंगे क्या, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक रहेंगे। इम्पॉर्टेंट है, बैंक्स अंडर DSIBs कंसिडर्ड वेरी इम्पॉर्टेंट बैंक। अगर इनका फेलियर हो जाता है, इसका मतलब है कि कंट्री के इकॉनमी पे बहुत बड़ा ह्यूज इम्पैक्ट पड़ने वाला है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ हेड ऑफ US इंडिया बिजनेस काउंसिल, अतुल कश्यप, अश्न प्रधान, कुलदीप कुमार, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है अतुल कश्यप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच बैंक इंक्रीज IMPS ट्रांजेक्शन लिमिट टू 5 लाख फ्रॉम अर्लियर 2 लाख। 5 लाख बढ़ा दिए, पहले 2 लाख थी। तो HDFC है, SBI है, ICICI है, एक्सिस बैंक है। इसका आंसर है SBI ने भी ये लिमिट को बढ़ाया है, बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं IMPS क्या है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ओनर कौन है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का फर्स्ट ग्लोबल इंडेक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, IC15, पेटीएम क्रिप्टो वायर,
डॉजी कॉइन, नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर है वो है क्रिप्टो वायर, और ये क्रिप्टो करेंसी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, अब हम लोगों के पास है लास्ट के 10 क्वेश्चंस। पहला है कि इंडिया का 73rd चेस ग्रैंड मास्टर कौन बना है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भरत सुब्रमण्यम, सी इज द राइट आंसर। इंडिया का जो 73rd चेस ग्रैंड मास्टर है वो है भरत सुब्रमण्यम, और ये चेन्नई से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है, किसको अपॉइंट किया गया है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का वाइस प्रेसिडेंट। इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, आ सकता है एग्जाम में। उर्जित पटेल, शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, राजीव सिंह। यह है उर्जित पटेल, सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फाउंड 2016 में हुआ था, बीजिंग चाइना में हेडक्वार्टर है, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो चाइना से ही हैं, जिनका नाम है जिन ली कुन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को 102nd मेंबर कंट्री किसने ज्वाइन किया है। जापान, चाइना, एंटीगुआ एंड बारबूडा, पेरू। इसका राइट आंसर है एंटीगुआ एंड बारबूडा। 102nd पूछ रहे हैं, अगर 103rd पूछते तो वो कौन सी कंट्री है, वो है सीरेरियन अरब रिपब्लिक। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे देखिए, ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, 2015 में फाउंड किया था, लॉन्च किया था इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑन द साइड लाइन्स ऑफ COP21 जो पेरिस में होती है, हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है, और डायरेक्टर जनरल कौन है, अजय माथुर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु विल लीड इंडिया इन ICC विमेन्स वर्ल्ड कप 2022। ये हो चुका है, तो किसने लीड किया था, मिथाली राज, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, नन ऑफ द अबो। ये है मिथाली राज, सो ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, ICC विमेन वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे हुआ है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो ये न्यूजीलैंड में हुआ है। इंडियन वुमेन टीम की कैप्टन मिथाली राज ने इसको लीड किया था। नेक्स्ट हम लोगों के पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकेम द हाईएस्ट अर्निंग फीमेल एथलीट इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट अर्निंग फीमेल एथलीट। पीवी सिंधु की बात करते हैं, तो इनका जो रैंक है वो है 7th रैंक, और जो बनी है वो है नाओमी ओसाका। तो यहाँ पे बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फोर्ब्स लिस्ट निकाली गई थी हाईएस्ट अर्निंग फीमेल एथलीट की 2021 की, जिसमें नाओमी ओसाका जो जापान की टेनिस प्लेयर है वो कितना चार्ज करती हैं, $57 मिलियन। 7th पोजीशन पे हमारी पीवी सिंधु है, जो बैडमिंटन प्लेयर है, तेलंगाना इंडिया से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि ये जो बैरीसितिनिब और सोत्रोविमब है ये क्या है, ये ड्रग्स हैं, ये सैटेलाइट है, प्लानट है, फ्रूट है, ये आपको ड्रग्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, न्यूज़ में क्यों थे, क्योंकि रिसेंटली WHO ने रेकमेंड किया था 2 ओरल ड्रग COVID-19 को ट्रीट करने के लिए, जिसमें से एक थी आपके पास बैरीसितनिब और दूसरी थी सोत्रोविमब। जो बैरीसितनिब है वो आपको जो जो बहुत ही ज़्यादा सीवियर और क्रिटिकल COVID-19 के पेशेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते थे, और जो सोत्रोविमब है वो माइल्ड या फिर मॉडरेट COVID-19 के पेशेंट यूज़ कर सकते थे। ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट, आप यहाँ पे देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022 का कौन से ओशन में हुआ। इंडियन, अटलांटिक, पैसिफिक, आर्टिक। ये हुआ था पैसिफिक ओशन में, सो यहाँ पे सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों के पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है इसके बारे में कि सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2022 की एक मल्टी लेटरल एंटी सबमरीन वारफेयर एक्सरसाइज है, और ये पैसिफिक ओशन में भी, स्पेसिफिकली कहाँ पर हुआ था, US के आइलैंड गुआम में हुआ था। इसमें 6 देशों की नेवीज ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें USA, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और साउथ कोरिया भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, विच कंट्री हैज़ बिन अवार्डेड विद मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड कौन सी कंट्री को मिला, फ्रांस, डेनमार्क, USA, जर्मनी। इसका जो राइट आंसर है वो है डेनमार्क, सो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर के बच्चों के लिए, विच टू टूरिस्ट एरिया हैव बिन डिक्लेयर्ड एज स्ट्रेटेजिक एरियाज इन जम्मू एंड कश्मीर। श्रीनगर, किश्तवाड़, पहलगाम, पटनी टॉप, गुलमर्ग, सोनमर्ग, नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है गुलमर्ग और सोनमर्ग।
ये देखिए आप लोग, ये जो लैंड है इसको यूटिलाइज किया जाएगा ऑपरेशनल और ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए जो भी आर्म्ड फोर्सेस की होती हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वो है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था स्टूडेंट स्टार्टअप और इनोवेशन पॉलिसी, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु या गुजरात? इसका राइट आंसर है गुजरात सरकार ने। सो यहाँ पे डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आप लोग, स्टूडेंट स्टार्टअप एंड इनोवेशन पॉलिसी 2.0, इस पॉलिसी में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा स्कूल के स्टूडेंट्स को जो भी इनोवेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। सो गाइज, ये थे हमारे आज के 50 MCQs जो हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर अभी तक वीडियो को देखा है तो लाइक करके जाना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को फॉर मोर अपडेट्स। टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी ऐप को डाउनलोड करके वेरियस कोर्सेज और PDF को एक्सेस कर सकते हैं। ये था हमारा सेट थर्ड, जम्मू कश्मीर के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं और बाकी जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए बहुत यूज़फुल है। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।